हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सेफ परसेंटाइल फॉर जेई एडवांस कट ऑफ एंड सेफ परसेंटाइल फॉर एनआईटीज इन जेई मेंस 2022। और हम ये सारी कैटेगरीज के लिए देखेंगे, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। तो डोंट वरी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये वीडियो आपके लिए। देखिए, उससे पहले मैं चाहूंगा आप कॉलेज जानकर को सब्सक्राइब जरूर करें एंड आपका जो भी मार्क्स आ रहा है उसको नीचे कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा बताने की कि आपको उस पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या परसेंटाइल आपकी इसमें आ सकती है। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष चंद एंड आप देख रहे हैं कॉलेज जानकार। तो दोस्तों, अगर हम जी एडवांस के कट ऑफ पहले देखें सारी कैटेगरीज के लिए, प्रीवियस ईयर के अंदर देखें, तो पहले जनरल के लिए देखते हैं। अगर हम 2019 की कट ऑफ देखें तो वो थी लगभग 89%। 2020 में जो गई है वो गई है 91%। बहुत ज्यादा हाई जंप मारा था। उसके बाद 2021 में बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई सारी कैटेगरीज के लिए, जो डी एडवांस की कट ऑफ थी, और 2021 में हो गई 87% जनरल कैटेगरी। तो देखते हैं इस बार क्या हो सकती है। तो इस बार जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ हो सकती है वो नो डाउट 89 से 91% के बीच में हो सकती है, क्योंकि यूनिक कैंडिडेट इस बार 10 लाख तक जा सकते हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ हो सकती है वो हो सकती है लगभग 70 से 74%। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो ओबीसी कैटेगरी के लिए लगभग लगभग जो जी एडवांस की कट ऑफ की परसेंटाइल हो सकती है, सेफ परसेंटाइल, वो हो सकती है 75 से 78% के बीच में। चलिए अब एससी कैटेगरी देखते हैं। एससी कैटेगरी की 48 से 52% तक सेफ परसेंटाइल है जी एडवांस की कट ऑफ के लिए। आप जी एडवांस के एग्जाम दे पाएंगे अगर आपकी परसेंटाइल 52% से ज़्यादा आ रही होगी, या फिर 48 से ज़्यादा, इन 48 से 52 के बीच में हमारा कट ऑफ जा सकता है। एंड अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, तो लगभग लगभग 36 से 40% के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है। चलिए अब सेफ परसेंटाइल फॉर एनआईटीज देखते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 95+% तो होनी ही चाहिए अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है। AWS OBC के लिए 91+% तो होनी चाहिए अगर आपको एक NIT में एडमिशन लेना है, इवन 92+% होनी चाहिए। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी के लिए आपकी लगभग 82-83% होनी ही चाहिए। अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में आपकी मिनिमम 75+% तो होनी चाहिए एक NIT में एडमिशन लेने के लिए। सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड कॉलेज जानकार को। सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प होगी एंड आपको भी अच्छा लगेगा। इनकी रिजल्ट की अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। देखते रहिए कॉलेज जानकार। गेट योर ड्रीम कॉलेज। साइनिंग ऑफ।